And this is one of the set top box, and we are going to receive one more top box. Came along with this. Has scratches? Can you come here? So it has some of the scratches also. So अभी तो भेजा ही नहीं. Finally, we get to know how to open this. And this looks very nice. It has this back. We can add this in the back. They have extended some of these. What are these? Okay, the helmet caps. Helmet caps. Some of these stickers. So this will be the backrest for the person who will be sitting back, so he will be getting some comfy, right? And what else? So they have added this also, one of another part of this. I don't know, some of the documents, and this is also again for the back. And these are the, this is the key. Oh, it's very nice. These are the mounting things to mount it. So it's very nice to do so, like we can mount it at the back, and we'll see in my KTM adventure. Here's the back rest for the pillion, and my pillion will be really happy after this, but I need to mount it very carefully. This, so it's done, and we have another one to be here like this, I believe. So let's remove these 3mm stickers, which is not so genuine. Coming out completely. This how you are mounting it? तो मैं आ गया अपनी बाइक के पास, और बाइक के पास आने के बाद पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर जीबी वाला ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा विदाउट रिमूविंग दिस. आई डोंट थिंक सो इज पॉसिबल हो पा रहा. तो इसको रिमूव करने के लिए समवेयर हेयर एक स्क्रू है, उसे खोलना पड़ेगा. फिर यहाँ से इसे निकालेंगे रैक से. तो ये दोनों मैंने निकाल दिया, इस प्लेट को हटा देता हूँ. तो इफ़ यू विल सी मैंने कैसे अमाउंट किए हुए थे, देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने लगाए थे. इतना कुछ लगाया था मैंने इस पर, सारा निकाल दिया, निकल गया. बहुत गंदा हो रखा है. इसके साथ वाला ये रहा, नहीं लग रहा है अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. तो अब इस इसके वाले टूल्स को खोलते हैं. अभी मैंने कुछ नीचे वॉशर रखे हुए, देखते हैं. मैं अभी ये वाली खोलता हूँ. इसे खोलने की ज़रूरत तो नहीं थी, कुछ ऑलरेडी पड़े हुए थे, पुराने वाले लग सकते थे, बट ये एक मुझे ज़्यादा हैवी एंड रिलायबल लग रहे हैं, तो इनको लगाइए. देव गिवन 4 of these are there, and there are so many other things, washers and this. तो ऐसे कुछ लगने वाला है. 1 एक लगाया, 2 दो लगा दिया. अब इसके नीचे ये वाली क्लिप्स लगेंगे, एंड देन इसके वॉशर के साथ ये लगेगा. पर उससे पहले मुझे जगह बनानी है, तो उससे पहले क्या करते हैं, एक छोटा वाला ये लेते हैं, दिस वन, इसको लगाते हैं यहाँ पे. तो एक छोटा वाला ले लिया मैं, इसे सेंटर में या फिर यहाँ पर कहीं पे लगाना चाह रहा हूँ.
सो मुझे चार ही मिले हैं, 1 2 3 4 4 प्लेसेस। बीच में मैंने वाशर डाली हुई है नाइन टू प्लेस इट लाइक अप, और यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे टाइट करके देखते हैं। अब जो है फाइनली जो है टॉप बॉक्स मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा ही हो रहा है, इट्स नॉट लुकिंग बैड। अभी काफ़ी स्टेबल रहता है, हिलते नहीं है। प्लास्टिक वाले में बहुत आवाज़ आती थी, काफ़ी वाइब्रेशन होती थी, तो वो इसमें नहीं होने वाली है। सैडल स्टिल लगे हुए हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ रॉयल इनफील्ड के शोरूम और रॉयल इनफील्ड के पैनियर इसमें लगाने वाला हूँ। तो रॉयल इनफील्ड के पैनियर लगाने के बाद देखते कैसे लगते हैं। ये मैंने इसलिए नहीं लगाई, ग्रैब पन्नियाँ भी इसलिए नहीं निकाली हैं क्योंकि मुझे जो है ना इसके ग्रैब है इस पर मैं थोड़ा सा, क्योंकि पेंट मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं इस पर चाह रहा हूँ कि एक बार वो लगा दूँ। थ्रेड आती है ऑरेंज कलर की, अगर थ्रेड मिल जाए मुझे तो वो लगा दूंगा इस पर। तो ऐसा कुछ आ जाए अरे जी, कम 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 जल्दी अंदर आ जाए। तो भाई मैं हो गया रेडी और अब जा रहा हूँ शोरूम में, और शोरूम में जो है देख वो अपने जो पैनियर्स हैं वो लेने हैं और देखते कैसे लगते हैं पैनियर्स। अगर अच्छे लगेंगे तो ही लूँगा, वरना नहीं लूँगा। और गाड़ी को कैसी लग रही है भाई, देखो अब बॉक्स सैडल्स पे, और अभी थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशन करनी है अभी, तो वो भी कर लेंगे। गाइस अभी मैं निकला हूँ राजपुर रोड के लिए, और राजपुर रोड जाते जाते मैंने एक रैपिडो भी ले लिया, और रैपिडो का देखते हैं इंडिया में। देहरादून में एक और सवारी को छोड़ूंगा फ्री में, और उनका देखूंगा रिएक्शन के कैसा रिएक्शन देते हैं। सो अभी जा रहा हूँ मैं उनको ही पिक करने। बॉक्स लगाया ना पीछे, वो एज कम्पेयर टू कम साउंड भाई साहब, ये देख रहे हो भाई, ये है रेंज रोवर डिफेंडर P140 और जस्ट नॉर्मल मॉडल। भाई यार ये गाड़ी है भाई, मतलब लोग बोलते हैं ना थार ले लो, ठीक है, फिर थार का बाप आता है रैंगलर जीप, फिर भाई जीप का भी बाप आता है डिफेंडर। मतलब ना जैसे सच में बोलते हैं ना, नदी नाले में हला दो, वो गाड़ी है भाई, ये ड्रीम गाड़ी है। पर राजपुर रोड और यहीं कहीं पर यार रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, देखना होगा कहाँ पर है, यहीं कहीं पर है। पर तो ये रहा मेरे लेफ्ट में, सॉरी राइट में, रॉयल एनफील्ड का शोरूम, और यहाँ चलते हैं अंदर, बात करके आते हैं एक बारी। सेल के लिए बात करी थी ऑलरेडी, तो बात करके आते हैं। सुपर मेटियोर 650 भी देख लेंगे एक बारी। आई नॉट अ बिग फैन ऑफ रॉयल इनफील्ड मतलब, पर हाँ सही लगती है भाई, नॉट बैड एट ऑल। ये देखो इनका शोरूम की बात है यार, शाइनी। मजा भाई अंदर, ये भाई सुपर मेटियोर भाई, सो सेक्सी। चलो ये सब तो नहीं चाहिए, हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ मेरा बात हुआ था वो पैनियर्स के लिए। ये यहाँ पर बैठी हैं जो मैम, एक्सक्यूज मी आर यू अवेलेबल, वो पैनियर्स के लिए कॉल किया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर। माउंट की नहीं चाहिए मुझे, माउंट में लगा के आ गया हूँ, मुझे मुझे चेक करवा दो एक बार फिटिंग वगैरह। नहीं वो फिटिंग एक्चुअली बाइक मेरा KTM एडवेंचर है, मैंने आपको कॉल करके बताया था ना, हाँ तो माउंट मेरे दूसरे हैं, नहीं इसी के कंपैटिबल मंगाए हैं, मुझे चेक करने हैं, आप चेक, हाँ वही चेक करने के लिए तो आया हूँ, हाँ गाड़ी नीचे ही है। तो दिस इज डिस्प्ले में लगे हुए हैं पैनियर्स इन सिल्वर कलर, एंड हियर दे आर, सी द वेट, नॉट दैट मच, ठीक है वेट। तो ये ऐसे कुछ माउंट होते हैं, क्लिप्स ऐसे लग जाती हैं नीचे वाली, एंड देन ये ऐसे लॉक हो जाते हैं उस पर। तो यस दिस इज़ वन ऑफ द थिंग आई वॉन्ट, एंड दीज आर द रॉयल एनफील्ड वन। बढ़िया लग रहे भाई, एक बार लगा के देखेंगे। पैनियर्स हम लेके आ गए हैं, रख के देखते हैं।
चाबी से अनलॉक करना पड़ेगा आपको पहले, ये बॉक्स खोलना पड़ेगा। एक लॉक अंदर से होता है ना, हाँ खुला हुआ है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है रख लो, ठीक है उसे रहने दो, आप इसे इसमें रख लो पहले, वो बाद में एडजस्ट होता है, ठीक है। हाँ ये ऐसे लगता है, आ रहा है फिट, थोड़ा सा पीछे आएगा मुझे लग रहा है, हाँ आ गया ना, पीछे को आएगा थोड़ा, हो गया हो गया। अब ये वाला खुलता है तो आई थिंक ये माउंट तो हो जाएगा, ओ सॉरी वो लगाना। ये नीचे वाली मूव होती है, नहीं होती है? नहीं नीचे वाली मूव नहीं होती, पर इधर की उधर हो सकती है ना। हाँ। तो ये तब सही है, बोल्ट के हिसाब से, उस हिसाब से मतलब इनकी जो माउंट आती है ना उसके हिसाब से ही है ना। माउंट सेम नहीं लग पाएगा इसमें? नहीं इसमें थोड़े बहुत कस्टम चेंजेस करने पड़ेंगे, लग जाएगा। चेसी तो ऑब्वियस सब का, सारी गाड़ी का अलग होता है। एक बार ऐसा नहीं भैया, इसको बाहर को खींचो ना। अच्छा ये वाला खोल लो पहले, रुको रुको रुको, ये भी तो है, एक बार देख लो, लॉक चेंज हो रहे ना, रखना। दबाना नीचे वाले दोनों, अगर माउंट अच्छे से हो जाएं तो ऊपर वाले का तो जुगाड़ हो सकता है। देखा देख लो, सही है ना, ऐसे होना था। तो इनको तो फिर तो बोर्ड छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, वही वाले आ जाएंगे। उल्टा लगा रहे शायद आप, हाँ ऐसे में लगा दो बस। अब इसे रखना वापस, इसके इसके रबड़ वबड़ रखना वापस। एक्चुअली आप क्या कर रहे थे कि वो नीचे वाले को पूरा नहीं डाल रहे थे, तो मेहनत करने के बाद फाइनली दोनों चले तो गए हैं, पर एक बार देखना लग कैसे रहे हैं ब्लैक के साथ। लेफ्ट का राइट में लगाया भले हमने, राइट का लेफ्ट में लगाया है, क्यों अच्छा उसके नीचे गया हुआ था राइट, ठीक है मुझे लग तो सही रहा मुझे, आई थिंक काम तो करना चाहिए। डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा ना इन पर अगर लूँगा मैं यही वाले तो। तो भाई इंस्टॉल करके तो बड़े मस्त लग रहे हैं, पहले तुम देखोगे ना ऊपर से भी तो बड़ी सेक्सी लग रही है गाड़ी, एकदम मस्त लग रही है, एकदम लग रही है कि हाँ भाई अब जाना है लद्दाख। तो लद्दाख तो जब भी जाएंगे लग तो अच्छे रहे। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, और सिल्वर वाले आप बताओ यार, सिल्वर वाले अच्छे लगेंगे या ब्लैक वाले लगेंगे? एक बार इसमें ब्लैक वाले भी लगा के मैं देखूँगा। तो ऐसे ब्लैक वाले थे नहीं, तो ब्लैक वाले जब भी आएंगे तब भी ले लेंगे। तो भाई ये वाला सीन हो गया, अब चलते हैं यहाँ से वापस। रॉयल इनफील्ड के पैनियर्स लगे तो मुझे बहुत अच्छे, मतलब बढ़िया पैनियर्स हैं, फिटिंग एंड डिज़ाइनिंग सब ठीक है, लेकिन आई सस्पेक्ट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ देम। लाइक जो मेरा टॉप बैग्स है वो टॉप बॉक्स जो है काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आया है, तो और वो है काफ़ी मतलब हैवी भी हुई, बट उनके काफ़ी लाइट वेट लगे, वेट वाइज जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कम लगी। और जब मैंने उस पर हिट किया तो इट वाज यू नो वेरी साउंड लाइक इट साउंड ऑफ लाइक यू नो सम थिंक मेटल, और इस पर जब मैं मारता हूँ तो इट इज़ लाइक ए हार्ड मेटल, वैसे वाली फीलिंग आती है इसमें, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सस्पेक्ट लगी। और प्राइस वाइज यस दे आर गिविंग 3000 ऑफ डिस्काउंट, सो इट वुड बी अराउंड 27,000, ठीक है, बट इन 27,000 मार्केट लाइक फाइंडिंग अ बेटर पैनियर इज वेरी हार्ड। तो वो आपको डिसाइड खुद ही करना पड़ेगा कि यार कौन से वाले लेने हैं और कौन से मतलब ठीक ठाक से रहेंगे, है ना। तो अभी चलते हैं मार्केट, और अभी मुझे ना जो ये क्रैश गार्ड लगे हुए हैं इनको मुझे वो करना है, इन पे थ्रेड लगानी है। अगर ऑरेंज कलर का मुझे थ्रेड मिल जाए तो फुट वाले पे मैं थ्रेड लगा लूँगा, तो जाके देखते हैं कि कुछ होता है उनके लिए या नहीं। गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप फॉलोइंग, बाय बाय।